कॉपी दो, मुझे एफआईआर कॉपी दो, वैसे नहीं जाऊंगा। ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, साइन के बाद साइन के बाद कहीं पे साइन करवाए। देखिए कारण बताइए, देखिए नहीं जाऊंगा मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अब हो गया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, ऐसे नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। सर आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। खबर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे अमिताभ ठाकुर को जबरदस्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर आरोप है एक युवती को उकसाने का। इन तमाम चीजों के आरोपों के बाद उनकी गिरफ्तारी जिस तरीके से हुई, उसे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि अमिताभ ठाकुर जो हैं, उनके ऊपर अभी हाल में ही लगातार वो योगी आदित्यनाथ जो हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ लगातार वो बयान दे रहे थे, अपनी नई पार्टी का ऐलान किया था, उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इन तमाम खबरों के बीच में एक तरफ जहां सरकार से उनकी अनबन चल रही थी, वहीं पर एक मामले में जो कि एक युवती और उससे जुड़े दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है, उस मामले में उनका नाम सामने आने के बाद लखनऊ वाले घर से उनको जबरदस्ती जो है गिरफ्तार किया गया। इस दौरान जो अमिताभ ठाकुर हैं उन्होंने विरोध किया है, कई बार वो एफआईआर की कॉपी मांगते नजर आए, तो उनकी पत्नी जो है वो भी इस पूरे मामले पर जो योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस है उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि जो मामला है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है, जहां पर मऊ के घोंसी से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय पर जो दुष्कर्म का एक आरोप लगा था, उसी युवती के एक आरोप में जो हाल में जबरिया रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है अमिताभ ठाकुर, उनको लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि उनको गिरफ्तारी के बाद हजरतगंज कोतवाली में रखा गया है। अमिताभ ठाकुर वहां पर हंगामा करते नजर आए, वहीं उनकी पत्नी नूतन ठाकुर भी इस दौरान हजरतगंज कोतवाली पहुंची हैं और वो भी गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रही हैं। अगर तो वो एज पर लॉ आपने एक तो मुझे मेरा बात करने दीजिए, मैं एडवोकेट भी हूँ, उनकी एडवोकेट हूँ और मुझे बात करने दीजिए। मैं मान लिया, बड़ी सरकार में बात करिए, मुझसे बात करिए प्लीज। घटना दिल्ली की, यहाँ पे जो एफ आई आर लॉन्च बाकी केसेस में तो होती नहीं है, आए आनंद पानी में और अधिकारियों को क्यों नहीं किया, जिनका पहले नाम लिया उनका क्यों नहीं किया, एक तो कारण नहीं बता रहे हैं। बता दें कि आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई थी जब युवती की तरफ से उनका नाम लिया गया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच करने वाली एसआईटी ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज किया था और इसके बाद से उनके घर के बाहर लगातार पुलिस तैनात थी। सबसे पहले उनको घर के अंदर ही नजरबंद किया गया और उसके बाद जब उनके खिलाफ गिरफ्तारी के आदेश प्राप्त हुए, जो जानकारी मिली है उस हिसाब से उनको फिर गिरफ्तार किया गया। हालांकि लगातार अमिताभ ठाकुर अपने आप को एक तरीके से जबरदस्ती गिरफ्तार या अरेस्ट करने का विरोध करते नजर आए। एक वक्त तो ऐसा भी आया जब उन्होंने उनको गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस के ऊपर हाथ तक चलाया, गाड़ी में उनको जबरदस्ती टांग करके आप कह सकते हैं कि उनको डाला गया, उसके बाद उनको वहां से थाने लेके जाया गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला जो है पिछले कई दिनों से वहां पर गरमाया हुआ है, जब एक युवती के दुष्कर्म के आरोप में कुछ बड़े नामचीन लोगों का नाम सामने आया और उसी उन्हीं नामचीन लोगों में से एक नाम अमिताभ ठाकुर का भी रहा, जिन पर एसआईटी ने जांच के दौरान युवती के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया और मामला दर्ज करने के बाद उनकी आज गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।